मांग तो एकदम जायज, पूरे देश की मांग है, हम रिहाई की ही मांग करेंगे। का कहना है कि आप दिल्ली एम्स लेके जाइए, दिल्ली एम्स अगर बापूजी जाते हैं तो उनकी बाईपास सर्जरी होगी। कहते हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द एटलीस्ट पैरोल दी जाए, पर वहाँ 1400 कैदी मौजूद है, एक की जगह पे दो, कैसे वहाँ एडजस्ट होगा, कितनी जगह की वहाँ कमी होती है। हमारे सनातन धर्म के जितने साधु संतों को किसी न किसी वजह से फंसाया जा रहा था। हमारे बापूजी को हार्ट अटैक आया है, उसके बाद से बापूजी का तीसरा हार्ट अटैक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉग आप लोग के लिए होने वाली है, क्योंकि अभी मैं वीडियोस दे रही हूँ आप लोग को अंबिकापुर के अमर पेट्रोल पंप में। और यहाँ पीछे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हुए हैं और पोस्टर भी लगाए हुए हैं। आखिर क्या होने वाला है, क्यों लोग यहाँ पे आए हैं, अभी पता चला है सूत्रों से कि हमारे अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी भी यहाँ पे अभी पहुँचने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं, आखिर मामला क्या है। तो चलिए, जो आए हैं उनसे बातें करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, महिलाएं पुरुष दोनों आए हुए हैं। और यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, संत श्री आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य नाजुक है, एम्स में भर्ती है वो, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर बापू जी, वी सपोर्ट बापू जी, उनका बैनर लगा हुआ है। आप लोग तो आसाराम जी को आप लोग तो जानते ही होंगे, उनका स्वास्थ्य अभी काफी नाजुक है और यहाँ पे उनके भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, शायद उन्हीं को लेकर यहाँ पे अभी मीटिंग बैठे हैं। आइए दीदी से बातें करते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, क्या मैटर है, और हमारे अंबिकापुर के विधायक जी भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आज लोग एकत्रित हुए हैं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ हुए हैं कि हमारे बापू 11 साल से जेल में हैं और 1.5 महीने से उनका स्वास्थ्य 2 महीने से इतना ज्यादा मतलब स्थिति, 2 बार अटैक आ गया, फिर भी मतलब एम्स में जवाब दे दिए कि बाहर ले जाओ। बापू जी उस स्थिति में है कि ऑपरेशन नहीं करवा सकते इतनी एज में, तो हम यही बस चाहते हैं बापूजी को रिहा करो हमारे। बाकी बापूजी हमारे आयुर्वेदिक उपचार करवाना चाहते हैं। जी जी। बापूजी ने सदैव से आयुर्वेदिक का बहुत प्रचार किया है, तो बापूजी ने बापूजी को बहुत विश्वास है आयुर्वेद पे। और हमारे देश में जब वो बाहर थे तब जगह जगह घूमकर उन्होंने आयुर्वेदिक का बहुत प्रचार किया और लोगों को बहुत लाभ भी हुआ है। तो बापूजी की स्थिति आज इतनी गंभीर है कि बाईपास सर्जरी नहीं हो सकती। एम्स का कहना है कि आप दिल्ली एम्स लेके जाइए, दिल्ली एम्स अगर बापूजी जाते हैं तो उनकी बाईपास सर्जरी होगी, पर बाईपास सर्जरी कराने की उम्र अभी उनकी नहीं है, उनकी उम्र अभी 87 वर्ष हो चुकी है और इस उम्र में कोई कितना रिस्क कैसे ले सकता है कि बापूजी की बाईपास सर्जरी हो। तो इसलिए बापूजी कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक के हिसाब से हम खुद ठीक हो जाएंगे। तो बापूजी बेल की अपील कर रहे हैं, बार बार हमारी अपील जाती है पर केस का बार बार हमें या तो डेट पे डेट दी जाती है या फिर केस को कभी वकील हमारा प्रस्तुत नहीं रहता, कभी सरकारी वकील नहीं आते हैं, या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि आज जज नहीं आया, कभी कुछ बहाने कभी कुछ बहाने, पर बापू जी को बेल देने के लिए एक दिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, ना उनको पैरोल दी गई। बापू जी की स्थिति और एज इतनी है, उसको देख कर भी हमारे देश का न्याय कहता है कि 82 वर्ष की उम्र के बाद किसी को भी जेल में नहीं रखा जाता, तो भी बापूजी के आज उम्र 87 वर्ष हो चुकी है तभी बापूजी को जेल में रखा गया है। हम सरकार से, न्याय व्यवस्था से, हमारे अधिकारी और भारत के जो भी पद पे बैठे हुए लोग हैं, सभी से हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द एटलीस्ट पैरोल दी जाए। रिहाई की तो मांग हम कर ही रहे हैं, वो तो पिछले 11 वर्षों से कर रहे हैं, पर आज स्थिति इतनी गंभीर है कि हम बापूजी के लिए मांग करते हैं कि बापूजी को जल्द से जल्द आयुर्वेदिक का बड़े से बड़ी जगह और अच्छी से अच्छी जगह उपचार की जाए, ताकि हमारे बापूजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और जैसे हमारे बापूजी पहले आप देख चुके हैं ये कंडीशन थी, पर आपने भी कभी बापूजी के सत्संग अटेंड किए होंगे, आपने भी देखा होगा कि बापूजी पहले कितने स्वस्थ थे और कितने हंसते और तंदुरुस्त होकर अपने व्यासपीठ पे विराजमान होते थे। पर ऐसे उनके साथ ना उनको स्वास्थ्य क्योंकि बिगड़ते जा रहा है। आज जोधपुर का वातावरण हम सभी आप नेट में सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि जोधपुर में सबसे अधिक ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी सबसे अधिक पड़ती है। वहाँ की दीवारों में एकदम आग बरसती है, इतनी गर्मी होती है, कोई इतनी गर्मी कैसे सह सकता है, और जेल का वातावरण कितना कठिन होता है रहना। आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि बापू जी जिस जेल में बंद है, जहाँ कैद है, वो वहाँ केवल वो जगह में अपन 700 कैदी रख सकते हैं, पर वहाँ 1400 कैदी मौजूद हैं।
एक की जगह पे दो, कैसे वहाँ एडजस्ट होगा, कितनी जगह की वहाँ कमी होती है ऐसे कंजेस्टेड वातावरण में बापूजी कैसे हमारे। हाँ, हमको बस बापूजी की पैरोल चाहिए, हमको अभी बापूजी की पैरोल चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य सही हो। हाँ, स्वास्थ्य सही अपन इलाज करा सके आयुर्वेदिक, बापू जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे आयुर्वेदिक से। जी, तो जैसा आप लोग अभी सुने कि हमारी दीदी ने क्या कहा, 11 साल से हमारे जो बापूजी हैं वो जेल में हैं, उनकी रिहाई के लिए यहाँ पे मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से उनको बाहर निकालिए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बापू जी को रिहा करो। यहाँ बापू जी का उपचार नहीं हो पाएगा, आप बाईपास सर्जरी के लिए दिल्ली एम्स अगर अपन बापू जी को लेके जाते हैं तो बापू जी का अपन को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और 87 वर्ष की उम्र में बापू जी का ऑपरेशन अपन कैसे कराएंगे, कितना रिस्की है वो। अगर अपन अब बापू जी हमेशा से आयुर्वेदिक का उपचार करके आए हैं तो बापू जी का मांग यही है कि मैं आयुर्वेदिक पद्धति से अपना स्वास्थ्य को सही करूँ, और हमने अर्जी भी लगाई थी वो अर्जी को हाई कोर्ट को दे दी और कहा है कि आप इसकी सुनवाई बहुत जल्दी करें, फिर से करिए और जल्दी करें, पर ऐसा होता है हमेशा हमको डेट टू डेट मिलती जाती है बाल, पर हमारी मांग यही है। भाई मैं तो देखिए सोचना चाहती हूँ, पूरा देश चिंतित है, अभी इतनी लंबी यात्रा निकली राजस्थान में पद यात्रा जिसमें विदेशों से भी आए, कल रायपुर जा रहे हैं, परसों हम लोग रायपुर जा रहे हैं सब समिति वाले यहाँ। चलिए अगर 10 को मैं रायपुर रहूँगा तो मैं भी शामिल हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम सब जा रहे हैं। मैं तो कल शाम को जाना पड़ेगा, अगर 10 को यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं आया है, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आने वाला है, अच्छा टीवी होगा, अगर नहीं आया तो मैं रहूँगा तो मैं आइए बता। इनकी मांगों को हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। एक समय था कि हमारे सनातन धर्म के जितने साधु संतों को किसी न किसी वजह से फंसाया जा रहा था, मेरे अंदाज से बापूजी का भी उसी टाइप का प्रकरण है, और पूरा देश चिंतित है उनके स्वास्थ्य को लेकर, और हम लोग भी मांग अपनी तरफ से करेंगे कि उनको शीघ्र मांग तो एकदम जायज, पूरे देश की मांग है, हम रिहाई की ही मांग करेंगे। तो आप लोग देखिए हमारे अंबिकापुर के विधायक जी आए थे, वो भी बोल रहे हैं कि जो हमारे बापू जी हैं उनको रिहाई कीजिए, और ज्ञापन सौंप दिए हैं उनको, और क्या बोले वो राजेश अग्रवाल जी। राजेश अग्रवाल जी का ये कहना है कि बापू जी सदा से सनातन धर्म के लिए कार्य किए हैं, आपने भी वीडियो में सुना होगा। जी जी, उन्होंने कहा है कि बापू जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, वो भी ये चीज को मानते हैं और समझ चुके हैं, तो इसी विषय में हम वो भी अब कह रहे हैं कि अब हमारा साथ देंगे। अपन के चारे मुख्य जगह है, चारों जगह वो जल्द से जल्द और अवश्य भेजेंगे, और वो भी अपनी तरफ से मांग के लिए एक अपनी अपने मतलब व्यक्तिगत भी वो मांग करेंगे, ऐसा उनका कहना है। जी, इस वीडियो को ढेर सारे शेयर कीजिए, मिलते हैं ऐसे ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ पूछना है कुछ जाना है तो मैसेज कीजिएगा, हम आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।